आइए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ऑक्टोपैड मेनिया। बना लेते हैं गरबा का पैड, जो अभी मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था। बहुत आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी, लाइव प्रोग्राम में एकदम धमाल मचाने वाले हो आप लोग। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और आपको एक गुड न्यूज मैं दे देता हूँ, यहाँ पे एक हमारा चैनल है चार्मिंग नीति के नाम से, मेरी बिटिया का चैनल है। जितना प्यार आपने मुझे दिया है उस चैनल को भी दीजिए, और उस पे वो छोटी छोटी वीडियोस आप देखिए, उसको कितना अच्छा डांस आता है, वो कितना अच्छा बोलती है। और अगर आपको उसकी वीडियो अच्छी लगे तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। और प्लीज आप अगर मुझसे प्यार करते हैं, मेरी वीडियोज आपको अच्छी लगती है, तो जरूर जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए बना लेते हैं उस पैच को। तो आइए दोस्तों, फटाफट से बजा लेते हैं उस पैच को। उसका मैं बजाने का आपको पैटर्न बता देता हूँ, हैंड रनिंग बता देता हूँ, जस्ट उसके बाद हम उस पैच को एडिट करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसको बजाना कैसे है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि जो उसकी रोलिंग होती है, दो तीन तरीके से मैं लगाता हूँ, आप भी कोशिश करिए, देखिए। एक रोलिंग हमारी लगती है, और इसी तरीके से जब हमारा पूरा पैच बजता है वो बजता है। और हमारा जो इसका दुगन का जो हमारा बजता है वो इस तरीके से रहता है। मैं तो इसको एक तरीके से ऐसे ही बजा लेता हूं। तो आपको जो भी पैटर्न अच्छा लगे आप उसको जरूर बजाइए, और कोशिश करिए बहुत अच्छे से अच्छा बजाने की। आइए फटाफट से हम इसकी एडिटिंग शुरू करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि मैं फर्स्ट कॉलम से आपको बहुत आराम आराम से बताना शुरू करता हूँ, किस तरीके से मैं उसको बताता हूँ। और आइए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने जो है फर्स्ट कॉलम के ए पार्ट में, मैं आपको पूरे पैड का ए पार्ट बता दूं, या मैं कोशिश करता हूं जैसे मैं वीडियो बनाता हूं उसी तरीके से शुरू करते हैं। यहां पे मैंने फर्स्ट कॉलम के ए पार्ट में लगाया है स्मॉल T37, जिसका लेवल मैंने 15 रखा है, पिच है हमारी 10 और डीके हमारा है 20, पैनल सेंटर में है, कर्व VP4 है और FX मेरा यहाँ पे 2 है। आइए फटाफट से इसी के हम बी पार्ट में बात कर लेते हैं। L30 मैंने लगाया हुआ है, जिसका लेवल मैंने 15 रखा है, पिच रखा है मैंने -3, डीके 20 है, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और FX हमारा यहाँ पे 2 है। आइए फटाफट से सेकंड कॉलम में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्मॉल T37 लगाया है, जिसमें यहाँ पे मैंने इसका रखा हुआ है लेवल 15, पिच मैंने रखी हुई है यहाँ पे 5, डीके यहाँ पे है 20, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और FX यहाँ पे हमारा 2 है। आइए फटाफट से हम बात कर लेते हैं हमारे इसी कॉलम के बी पार्ट में, सेकंड कॉलम के L30 मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाया है, जिसका लेवल 15 रखा है, पिच रखा है मैंने यहाँ पे -3 और डीके यहाँ पे 20, पैनल सेंटर में है, कर्व VP4 है और FX हमारा यहाँ पे 6 है। आइए फटाफट से हम लोग यहाँ थर्ड पैड में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्मॉल T37 लगाया है, जिसका लेवल मैंने रखा हुआ है 15 ए पार्ट में, और यहाँ पे उसका पिच है 0, डीके है हमारी 20 और यहाँ पे हमारा जो है पैनल सेंटर में है, कर्व VP4 है और FX हमारा 2 है। इसी के हम लोग बी पार्ट में बात कर लेते हैं। L30 लगाया हुआ है मैंने बी पार्ट में, ढोल की चाटी है, जिसका लेवल मैंने 15 रखा है, पिच है -3, डीके यहाँ पे 20 है, पैनल सेंटर में है, कर्व VP4 है और FX हमारे यहाँ पे 6 है। आइए यहाँ पे हम फोर्थ कॉलम में बात कर लेते हैं। यहाँ पे
C06 यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है फोर्थ कॉलम में, जिसका ए पार्ट में, जिसका हमने लेवल रखा है 15, पिच यहाँ पे -2 और डीके यहाँ पे 6, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और FX हमारा यहाँ पे 2 है। आइए फटाफट से हम लोग फिफ्थ कॉलम में बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्मॉल T21 मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाया है, जिसका लेवल मैंने रखा है 15, पिच यहाँ पे है हमारी -3, डीके यहाँ पे हमारा -7 और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है, FX हमारा यहाँ पे 0 है। आइए बात कर लेते हैं हम लोग बी पार्ट में, स्मॉल T22 मैंने बी पार्ट में लगाया हुआ है, जिसका लेवल मैंने रखा हुआ है 15, पिच यहाँ पे रखी है -3 और यहाँ पे मैंने इसका डीके 0 रखा हुआ है, पैनल यहाँ सेंटर में है, कर्व EP4 है और FX हम देख लेते हैं यहाँ पे 0 है। आइए फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं सिक्स्थ कॉलम की। यहाँ सिक्स्थ कॉलम पे मैंने ए पार्ट में लगाया हुआ है जो है L30, जिसका लेवल मैंने रखा हुआ है 15, पिच है हमारी -5, डीके यहाँ 20 है, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और FX यहाँ पे 2 है। आइए फटाफट से बात कर लेते हैं हम इसी के बी पार्ट में। L27 मैंने लगाया हुआ है इंस्ट्रूमेंट, जिसका लेवल मैंने 15 रखा है, पिच रखी है यहाँ पे 0, डीके भी 0 है, पैनल यहाँ पे हमने सेंटर में रखा है और कर्व EP4 है, FX हमारा यहाँ पे 0 है। आइए बात कर लेते हैं हम लोग सेवेंथ कॉलम की। सेवेंथ कॉलम के ए पार्ट में मैंने लगाया हुआ है L30, जिसका लेवल मैंने रखा हुआ है 15, पिच है हमारी यहाँ पे 5 और यहाँ पे डीके 20 है, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और FX हमारा जो है और यहाँ पे 6 है। आइए फटाफट से हम इसके बी पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने L24 लगाया हुआ है, जिसका लेवल मैंने 14 किया हुआ है, पिच हमारी यहाँ पे है 0, पैनल जो है डिके है वो है 20, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और FX हमारा यहाँ पे है 2। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट कॉलम की, एट कॉलम की। ए पार्ट में मैंने एट कॉलम में लगाया है A15, क्लैप का साउंड है, पैनल इसका हमारा जो है लेवल रखा है मैंने 14, यहाँ पे पिच मैंने रखी है 0, डिके है हमारी 20, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है, FX हमारा यहाँ पे 2 है। आइए इसके बी पार्ट में हम लोग बात कर लेते हैं J46। यहाँ पे बी पार्ट में हमने लगाया हुआ है लास्ट कॉलम के, जिसका लेवल मैंने रखा है 14, पिच है हमारी 1, डीके यहाँ पे 20 है, पैनल सेंटर में है, कर्व EP4 है और FX हमारा यहाँ पे 2 है। इस तरीके से हमारा ये पैच बन के तैयार हो जाता है। आप इसको लाइव प्रोग्राम में बजाइए और धूम मचा दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए जल्दी से आके हमारे चैनल पे। और जो मेरा सेकंड चैनल है, जिसको मैंने शुरू में बोला है, डिंक जो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब करिए। और तब तक के लिए धन्यवाद।